हिंदू जनजागृति कोसम हरियाणा राष्ट्रंलोनी रोहतक कु चेंदिन देशभक्ति गायनी गव्य सिंग चेपट्टिन पादयात्र बुधवार आदिलाबाद कु चेरुकुंदे। ई संदर्भंगा हिंदू संघालु आमेकु घन स्वागतं पलिकारु। स्थानिक रिम्स गणेश मंदिरंलो पूजलु चेसिन अनंतरं आमे पादयात्र कोनसागिंचारु। हरिद्वार नुंचि रामेश्वरं वरकु पादयात्र कोनसागिस्तुन्नट्लु आमे तेलिपारु। ई कार्यक्रमंलो नायकुलु राळ्ळबंडि महेंदर्, कोत्तवा राजेश्वर्, दशरथ, निखिल उन्नारु। श्रीराम सभी सनातनियों को, मैं देशभक्त गायिका कवि सिंह और मेरा आप सबको प्रणाम। हम हरिद्वार से गंगा जल लेकर रामेश्वरम जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है हिंदू जनजागृति, हिंदू राष्ट्र हमारी मांग है और उसी को लेकर हमने अपने 8 राज्य पूरे किए। हम 9वां राज्य है हमारा तेलंगाना और तेलंगाना में आज हम आदिलाबाद में हैं और विघ्नहर्ता के आंगन में हैं। आज हमने यहाँ पूजा की, पंडित जी ने हमारी पूजा करवाई और बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, 5 राज्य और हैं। आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद और आप सबकी दुआएं चाहिए हमें, ताकि हम ये यात्रा बिना किसी भी यात्रा 9 जुलाई को शुरू हुई थी, 2 महीने होने को आए हैं। हरिद्वार से, हरिद्वार हर की पौड़ी से हम गंगा जल लेकर चले हैं और रामेश्वरम जा रहे हैं। 2 महीने हो गए, शायद 1 महीना और लग जाएगा हमें पहुंचने में और फिर रामेश्वरम से समुद्र की मिट्टी लेकर वापस हम लोग हरिद्वार जाएंगे। तो टोटल 6 महीना हमें लग जाएगा, 6 महीने में हम अपने हरिद्वार पहुँच। जन जागृति के लिए हम यात्रा करें, क्योंकि आप लोग सब देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हुआ, इससे पहले अफगानिस्तान में भी हुआ था, उससे कुछ दिन पहले अगर 1-2 साल पहले जाते हैं तो पाकिस्तान में भी हुआ और पाकिस्तान में चलता रहता है कि हिंदुओं को बहुत ज़्यादा लोग प्रताड़ित करते हैं हर जगह पर। लेकिन अगर हिंदू जागृत होगा, अपने लिए खड़ा हो पाएगा, अपने लिए सहयोग मांग पाएगा पास के देशों से, बाकी अपने हिंदुओं से, पूरे विश्व के हिंदुओं से, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि उनको कोई प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, उनको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। तो हिंदुओं को जगाने का काम करें कि चाहे विश्व में कहीं भी आपके भाई बैठे हैं, उनके सहयोग के लिए खड़े हुए हैं। जैसे अभी बांग्लादेश में जो हुआ, उसके लिए पूरा भारत खड़ा हो गया था। जब बाहर से बल दिखाई देता है तो बांग्लादेशी खुद सारे हिंदू इकट्ठा हो गए और एक जगह इकट्ठा होकर उन्होंने अपना बल प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन किया। अभी वहाँ सब नॉर्मल है। तो इसीलिए कहते हैं कि हिंदुओं जाग जाओ, जागोगे तो अपनी शक्ति